सो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन ईसम कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास ईसम कार्ड नहीं है, ईसम कार्ड कहीं खो गया है, तो आप घर बैठे इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल से और इसका प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं। इसके लिए कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे की भी देने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा ये वीडियो है और सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स से शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे ओपन कर लिया। और आपको यहाँ पे लिखना है ई श्रम। ई श्रम लिखने के बाद ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगा, eshram.gov.in। इसके ऊपर आपको टैप करना है। जैसे आप इसके ऊपर टैप करेंगे, इसका वेबसाइट आपके सामने आ जाएगा ऐसा। आप इसको मोबाइल मोड में रख सकते हैं, नहीं तो आप डेस्कटॉप मोड कर सकते हैं। डेस्कटॉप मोड करने के लिए ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है एरो का, इस ऑप्शन में क्लिक करके नीचे आप देख सकते हैं डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करके आप इसे कर सकते हैं। तो मैं मोबाइल में ही करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मोबाइल में भी ये सभी हो जाता है, ठीक है। डेस्कटॉप मोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप आएंगे, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ये वाला ऑप्शन, और आप देख सकते हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड का ऑप्शन, रजिस्टर्ड ऑन ईश्रम और ऑलरेडी रजिस्टर्ड। साइड में यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, तो अपडेट के ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप अपडेट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर आपको आपका जो नंबर पता है, ईसम कार्ड का जो नंबर पता है, तो नंबर आप डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको नंबर ही पता नहीं है पर आपको पता है कि आपने रजिस्टर किया था, तो क्या करना है आपको, तो इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लाइन आपको देखने को मिलता है इस जगह पे। तो 3 लाइन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ये ऑप्शन ऑलरेडी रजिस्टर्ड के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है और आप एक ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है खुल के, अपडेट प्रोफाइल यूजिंग आधार। तो इसके ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको बोलेगा एक मोबाइल नंबर दीजिए जिसके साथ आप आधार कार्ड का लिंक है, मतलब आधार के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वो नंबर आपको यहाँ पे डालना है। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कैप्चा आ रहा है, ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर कैप्चा को मतलब समझ में नहीं आ रहा तो ये आप यहाँ पे क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हैं। तो मैं अपना नंबर डाल देता हूँ और यहाँ से जो ये कैप्चा वो भी मैं डाल देता हूँ। और मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल देने के बाद आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे सेंड ओटीपी पे का ऑप्शन, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे आप किस नंबर पे एक ओटीपी आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा जो गलत हो गया, तो फिर से ये कैप्चा आ गया है। तो यहाँ पे कैप्चा कैसे डालना है, एफ छोटा अक्षर का, बड़े अक्षर का एल, बड़े अक्षर का बी, उसके बाद बड़े अक्षर का एल, उसके बाद छोटे अक्षर का वाई और छोटे अक्षर का जेड जे एक्स। तो इस साइड आपको ऐसे करके आपको डालना है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सेंड कर दिया, तो यहाँ पे मेरे नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी मुझे यहाँ पे फिल करना होगा। तो अभी ओटीपी भी मेरे पास आ गया है, तो ओटीपी को हम सिंपली यहाँ से फिल कर देंगे। तो ओटीपी हमने फिल कर देंगे, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट का ऑप्शन में क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बोल रहा है आपका आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट, अगर आप यहाँ के आपके पास बायोमेट्रिक है तो फिंगरप्रिंट डालिए। उसके बाद आपका अगर आपका रेटिना स्कैनर है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओटीपी, तो हम ओटीपी से ही करेंगे, सबसे आसान है। बस ओटीपी आपके पास आ जाएगा, आपको आसानी से यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये नंबर डालेंगे आधार का, उसके बाद यहाँ पे ओटीपी पे हम सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कैप्चा डाल के यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो अपना आधार कार्ड का जो नंबर है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो सब कुछ डिटेल्स डालने के बाद आपको नीचे यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, फिर से आपको आधार के साथ जो लिंक है उस नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे नीचे फिल करना होगा। जैसे आप इसको यहाँ पे फिल कर देंगे तो आपका यहाँ पे वैलिडेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो वैलिडेट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा। ऊपर आपका यहाँ पे नेम तो शो नहीं होगा, आपका यहाँ पे बर्थ ईयर शो होगा, मेल फीमेल शो होगा। और आपको अभी क्या करना है वो आप ध्यान से देख लीजिए, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ से आपको इसमें मार्क नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से अगर आप मार्क कर देंगे तो आपका जो भी यहाँ पे मतलब जो ईसम कार्ड का बना था इसकी वेबसाइट में, इसके डाटाबेस में, वो क्लियर हो जाएगा। मतलब आपका जो ईसम कार्ड है वो डिलीट हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अभी आपको डाउनलोड करने के लिए क्या करना है वो आप ध्यान से देख लीजिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे नीचे का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं अपडेट ई KYC इन्फॉर्मेशन। तो इसके ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। इसके ऑप्शन में जैसे आप क्लिक करेंगे, आप यहां से अपडेट कर सकते हैं आपका ईसम कार्ड के अंदर। यहां से क्लिक करके ऊपर आपका यहां पे नेम आ जाएगा और यहां पे डाउनलोड UAN कार्ड का ऑप्शन, मतलब यहां से क्लिक करके आप अपना ईसम कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली इसके ऊपर हम टैप करेंगे। इसके ऊपर आप जैसे टैप करेंगे देखेंगे ऐसा इंटरफेस,
ऊपर यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है डाउनलोड इवेंट कार्ड, इस पर फिर से हम क्लिक कर देंगे। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है और यहाँ पे ये बोल रहा है कि 5.18 MB का है, तो इसको हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड कर लेने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं PDF फाइल खुल के आ गया, मतलब आपके फाइल मैनेजर में ये डाउनलोड हो गया। तो PDF में क्लिक कर देंगे और जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने आपका ईसम कार्ड यहाँ पे डाउनलोड होके आ गया है। अभी आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, इसका लेमिनेशन भी कर सकते हैं और अपने पास ये रख सकते हैं। अगर आपका ईसम कार्ड कहीं खो गया है, अगर आपको पता नहीं है कब का ईसम कार्ड का नंबर क्या है, तो बहुत ही आसानी से आप ईसम कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल से। घर बैठे कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को एक भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक्स वॉचिंग।